नमस्कार दोस्तों, आगे हम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि आपको फ्यूचर में मल्टीवैगर रिटर्न बना के दे सकते हैं। और दोस्तों एक आईटी की कंपनी है जो अपनी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में अपनी सर्विस को प्रोवाइड कराती है। दोस्तों अगर किसी ने इसके एक साल पहले अगर 5,000 रुपए के शेयर खरीदे होते तो वो आज इसका जो वैल्यू है 45,000 रुपए हो गई होती सिर्फ एक साल के अंदर में। तो दोस्तों हम कुछ इसी तरीके के वैल्यूएबल पेनी स्टॉक्स आपके लिए लेके आते हैं जो कि आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न बना के देते हैं। और दोस्तों अभी भी जो फिलहाल इस कंपनी का जो करंटली प्राइस शेयर है वो 22 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी एक राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का जो कि आपको अच्छे से रिटर्न बना के दे सकता है। दोस्तों फिर भी मैं आपको बता दूं ये वीडियो जो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम सिर्फ कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, उसी के बेस पे हम डिस्कस करेंगे। और बाकी दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपका किस तरीके से इन्वेस्ट करना है थोड़ा आप भी अपना एनालिसिस रखिएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। दोस्तों बेसिकली कंपनी जो आईटी सेक्टर में वर्क करती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज अपने कस्टमरों को प्रोवाइड कराती है। दोस्तों बेसिकली ये जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आईटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन तीन सेक्टर में मेजरली काम कर रही है कंपनी। और अगर मैं इसके बात करूँ कुछ टेक्नोलॉजी पार्टनर के बारे में तो दोस्तों बेसिकली डेल हो गया, एचपी हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, आईबीएम हो गया, वीएमवेयर हो गया, एसर जैसे इसके बड़े बड़े टेक्नोलॉजी पार्टनर्स रह चुके हैं और अभी फिलहाल करंटली इनके साथ में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों बेसिकली कंपनी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्विसेज के बारे में हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दें। तो दोस्तों बेसिकली कंपनी का जो आईडू सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है जैसे कि एंटरप्राइजेस कंप्यूटिंग हो गया, प्रोडक्ट सॉल्यूशन हो गया, डेटा स्टोरेज हो गया, नेटवर्क सॉल्यूशन हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हो गया और दोस्तों बेसिकली वर्चुअलाइजेशन के लिए हो गया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल के बारे में। बेसिकली कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 485 करोड़ का है। करंट प्राइस अभी स्टॉक का 26 रुपए का है। हाई और लो प्राइस देखे 52 वीक्स का तो 26 रुपीज हाई गया था और 2.57 लो प्राइस गया है। और दोस्तों स्टॉक पीई इसका 545 है, बुक वैल्यू 1.14 रुपीज है। डिविडेंड अभी तक इन्होंने नहीं प्रोवाइड कराया क्योंकि कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही है। ROCE 6.63% का है, ROE 2.57 का है, फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज है। दोस्तों अगर हम कंपनी का कुछ ग्राफ के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हो कि एक साल पहले करीब 12 नवंबर 2021 को इसका जो प्राइस था 2.94 रुपीज था इस शेयर का, और अभी फिलहाल करंटली इसका जो प्राइस है वो 26 रुपए है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इस टाइम पे अगर एक साल पहले इसके अगर 5,000 रुपए के शेयर खरीद लिए होते तो आज वो 45,000 रुपए हो गए होते। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कंपनी कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में। कंपनी का प्रोज देखें तो कंपनी बेसिकली इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, अच्छे क्वार्टर प्रोवाइड करा रही है। बट इसमें कॉन्स अभी है क्योंकि नई कंपनी है, कॉन्स इसके देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 23.4 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, अपनी बुक वैल्यू का 23.4 टाइम्स से ये जो स्टॉक है ट्रेड कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज है वो थोड़ा सा कम है, प्रमोटर होल्डिंग कम है, कंपनी ने लो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया 4.05% की और दोस्तों अर्निंग जो है इसकी अदर इनकम को लेकर सिर्फ 2.61 करोड़ की है, प्रमोटर होल्डिंग कम डिक्रीज भी हुई है। कंपनी के सेल्स की बात करें तो कंपनी ने 2018 में 61 लाख की सेल करी है और दोस्तों मार्च 2019 में 49 करोड़ की सेल करी है, मार्च 2020 में 60 करोड़ की सेल करी है और मार्च 2021 में 58 करोड़ की सेल करी है और मार्च 2022 में 76 करोड़ की सेल करी है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का 2019 में 35% की होल्डिंग थी और अभी फिलहाल करंटली मेंटेन थी, आप देख सकते हो 2022 में 30% की होल्डिंग रही है। गवर्नमेंट की होल्डिंग भी इसमें इन्वॉल्व है 1.49% की है और दोस्तों बेसिकली अगर पब्लिक होल्डिंग देखें तो पब्लिक होल्डिंग इसमें ज़्यादा है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी कम है, बिजनेस भी अभी नया है, कंपनी पर स्टार्ट कर रही है, ग्रोइंग सेक्टर में काम कर रही है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तो दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है वरीमैन ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो बेसिकली दोस्तों अभी इसका शेयर प्राइस 26 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, पैनी कंपनी है, 485 करोड़ की कंपनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें प्रमोटर होल्डिंग 30% है, कम है, बट आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके सारे पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखें तो बेसिकली काम तो कंपनी ग्रोइंग सेक्टर में कर रही है, अगर हम इसके कुछ शेयर लेके डालते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमको अच्छे रिटर्न बना के दे दे, बट फिर भी एक रिस्क रहता है एक इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों थोड़ा सा आप भी इसके फंडामेंटल को समझ के अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों बाकी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और दोस्तों इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।